हाय किड्स, हाय सर। आज हम करने वाले हैं सेक्रेट मैसेजेज। ठीक है, सेक्रेट मैसेजेज जैसे हमने पहले किया, ठीक है, पहले हमने एक कोड बनाया था इस वाले में, ठीक है, एक कोड बनाया था ना हमने। वैसे अभी देखो, अब हम क्या करना है, देखो एक बच्ची ये बोली, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, वो बोल रहा है आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी बट आई कांट अंडरस्टैंड इट। अब क्या हुआ, उसके दोस्त ने उसको क्या किया है, एक कोड में कुछ चीज़ लिख के दे दी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। ओके, लेट मी सी, टुक्स लाइक ए सेक्रेट मैसेज। तो जो उसकी जो ये दोस्त है, या हो सकता है उसकी बहन हो, वो उसको बोल रही है कि चलो मैं बताती हूँ कि ये क्या है, मैं मतलब ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। यामिनी एक्सप्लेन द रूल, नंबर्स हैव यूज फॉर लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल जे इज 10। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो कोड्स हैं, इस कोड्स में इन्होंने क्या किया कि जैसे ए के लिए क्या लिख दिया, 1, बी के लिए क्या लिख दिया, 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, वैसे एफ के लिए क्या आएगा, 6, जी एच आई जे के एल, कितने होते टोटल, 26, वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक हो गया। तो अब J के लिए क्या कोड है, यहाँ देखो 10, B के लिए 16, ठीक है। अब बताओ जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये क्या होगा, 7 के लिए क्या आना चाहिए था, 7 के लिए G, 15 के लिए O, 15 के लिए O, 4 के लिए D, 14 के लिए N, N, एंड 9 के लिए आई, 7 के लिए जी, 8 के लिए एच, 20 के लिए पी। तो क्या था ये, गुड नाइट, गुड नाइट था ये मैसेज, ठीक है। अब देखो, अब हमको बनाना है मैसेज, गुड मॉर्निंग के लिए क्या बनेगा ऐसे ही मैसेज, ठीक है। तो गुड के लिए तो वही बनेगा क्या, 7, 15, 15 और 4, गुड के लिए तो यही रहेगा। मॉर्निंग के लिए चेंज होगा, मॉर्निंग के लिए क्या आएगा, एम के लिए क्या आएगा, एम के लिए 13, ओ के लिए, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, एन के लिए 14, आई के लिए 9, फिर एन के लिए 14, जी के लिए 7, ठीक हो गया। ये बन गया हमारा एक कोड। If we change the rule and write 1 in place of B, 3 in place of D and so on, then how we will write let us dance? अब वो बोल रहे हैं कि अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब इनको एक एक आगे खिसका देना है, मतलब जो ये 1 है ये B के लिए आ जाएगा, C के लिए 3, C के लिए क्या आ जाएगा 2, मतलब अभी जैसे ये बी सी डी के लिए 2, 3 था ना, तो अभी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे चेंज हो जाएंगे, मतलब जो लिखा हुआ था उससे एक पहले वाला आ जाएगा, और इस A के लिए अब क्या आ जाएगा तब, 0, 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 0
तो यहाँ ई के लिए क्या हो गया 26. समझ गए? तो अब वो बोलेंगे ऐसे ही लेट अस डांस के लिए हम क्या लिखेंगे? अब एल के लिए क्या हो जाएगा तब? अभी 12 था, अब क्या हो जाएगा? 13. नहीं, 12 था, 11. वेरी गुड. ई के लिए? चार. वेरी गुड. टी के लिए? उन्नीस. यू के लिए? बीस. एस के लिए? एस के लिए 18. डी के लिए? डी के लिए ए के लिए? ए के लिए 26. एन के लिए? एन के लिए 13. सी के लिए? सी के लिए 4. क्लियर है? बन गया कोड? बना लोगे? समझ आ गई? यस. क्लियर है? यस सर.